मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, आपको दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है ना, और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी 6 रेशियो है तो 5 और निकालना है, एक तो दिया हुआ है आपको, अब इसकी मदद से निकालना है। तो सेक थीटा यानी थीटा आपको कोई एक एंगल है, तो हमने ट्राइंगल में अभी तक ए लेते थे, उसने थीटा दे दिया तो ए को हमने थीटा मान लिया, यानी एक्यूट एंगल है ये, यहाँ खड़े हो गए हम ए पर खड़े हो गए हैं, इसको थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर खड़े सेक क्या चीज़ होता है, तो पंडित के पास चले, तो पंडित बोलता है ये साइन है पी बाय एच, कॉस बी बाय एच और टेन पी बाय बी, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये जो है इसका उल्टा यानी एच बाय बी सेक हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर दे दिया एच अपान बी। तो हाइपोटोनियस मालूम है, बेस मालूम है आपको, क्या नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो हाइपोटोनियस यानी ये 13 कांस्टेंट के रूप में लिख देना चाहिए, 13 के और बेस 12 के, ये बेस क्यों होगा, ये एडजेसेंट साइड एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर निकालना है हमको, तो यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और परपेंडिकुलर निकालते हैं बच्चों। तो पाइथागोरस में वैल्यू रख रहे थे हाइपोटोनियस यानी आपको 13 है, तो यहाँ हमने 13 का स्क्वायर रख दिया। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर को चाहे तो आप बी सी लिख दीजिए प्लस बेस यानी 12 का स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बच्चों 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बी सी निकालना है आपको, 12 का स्क्वायर क्या 144, इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो 25 बच गया हमारे पास, 25 को स्क्वायर के रूप में 5 का स्क्वायर नोट कर लिया, अब हमने स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर किया तो हट गए, तो बी सी का वैल्यू 5 आ गया। बी सी क्या है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है बच्चों ये, तो यहाँ से बी सी आपका 5 आ गया, तो इसको कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे तो आप चाहे तो यहाँ 5 के लिख दीजिए। अब आप खड़े कहाँ हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस ये हुआ 12 और हाइपोटोनियस हो गई 13 है ना, चाहे तो आप नोट कर लें, इसको बेस नाम दे दीजिए, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटोनियस, ठीक है बच्चों। अब आपको दूसरे जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो पहला लेते हैं साइन, सो देयरफॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बच्चों। तो पहला आता है साइन, अब एंगल ए की जगह थीटा दिया था, आप थीटा लिख दीजिए, अब यहाँ थीटा मतलब यहीं खड़े हैं एंगल ए पे आप, तो साइन क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से पी बाय एच, तो देखिए तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 के अपन हाइपोटोनियस क्या हो गई 13 के, के से के हट गया तो पहला आंसर आ गया 5/13, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है कॉस थीटा, कॉस होगा बी बाय एच, ठीक है। तो यहाँ से इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 के, बेस है 12, तो 12 के अपन हाइपोटोनियस 13 के से के हट जाएगा आपके, तो 12/13। फिर क्या निकालना था आपको इसके बाद में, 10 थीटा क्या होता है बच्चों, यहाँ से पी बाय बी, तो पी बाय बी, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5 के, और बेस कितना हो गया 12 के से के कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो 5/12, तो बहुत आसान हो गया। अब बाकी के जो निकालना है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, दी सिंप्लाई यहाँ से देखो, दी सिंप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा लिख दो 13/5, दी सिंप्लाइज
कॉस का उल्टा होता है सेक, ये है तो 13/12, और टेन का उल्टा होता है कॉट। सेक तो दिया ही था, वैसे निकालने की जरूरत थी तो निकाल भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा इसका उल्टा है ना, इसका रेसिप्रोकल 12/5। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया था फिफ्थ में, सेक का वैल्यू दिया था पंडित बद्री प्रसाद से हमने, एच बाई बी पता कर लिया, तो पी मालूम नहीं, पी निकाल लिया, फाइव आ गया, फाइव नोट कर दिया, बाकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद की मदद से सारे निकाल लिए। ओके थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सिक्स ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, है ना, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए एंगल ए और बी क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री से छोटे हैं दोनों, सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। आपको दो रेशो दिए, एक एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एक एंगल बी के रिस्पेक्ट में, और दोनों का रेशो बराबर दिया है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी, आपको ये लाना है एंगल ए और बी बराबर लाना है, या तो आप साइड बराबर ला लेंगे, ला देंगे तो आइसोसेलिस ट्राइंगल से एंगल ए बराबर बी आ जाएगा। तो आपको जो दिया है उसका यूज़ करना है सबसे पहले। तो आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल हमने मान लिया है ना, तो आपको दिया द रेशो ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड बी, एंगल ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको ये दो रेशो दे रखे हैं। तो आपने लिख दिया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है आपको, है ना। तो अब पंडित बद्री प्रसाद की आपको सब जगह ज़रूरत लगेगी, तो कॉस ए का मतलब हुआ जब आप ए पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, तो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं देखो, है ना, एंगल ए के लिए, तो कॉस ए, तो पंडित बद्री प्रसाद बोलते हैं बी बाय एच, है ना। तो यहाँ बेस क्या हो गया, यानी बी बाय एच, तो बेस ए पर खड़े हो तो बेस ये होगा ए सी, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगी ना, तो बेस हुआ ए सी, और हाइपोटोनियस क्या हुई बच्चों, हाइपोटोनियस हुई ए बी, समझ में आया। एंड ये कहाँ पर खड़े हैं, फॉर एंगल ए, और यहाँ पर लेंगे फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए कॉस बी है ना, यहाँ पर खड़े हो गए, तो परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद तो वही बोलेंगे बी बाय एच, तो यहाँ पर एंगल बी के लिए बेस क्या हुआ, बी सी, अपन हाइपोटोनियस तो ए बी रहेगा, ए बी, तो ये नंबर वन और ये नंबर टू, वन और टू का वैल्यू फ्रॉम वन एंड टू, दिस इम्प्लाइज, देखिए कॉस ए की जगह वैल्यू रखा, तो कॉस ए का वैल्यू आया ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी का वैल्यू आया बी सी अपॉन ए बी। अगर मैं ए बी को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से मिल गया ए सी बराबर बी सी, क्या आ गया बच्चों, ए सी और बी सी, यानी ए सी साइड और बी सी साइड दोनों इक्वल आ गई, और जब दो साइड इक्वल होती है तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल से हम क्या जानते हैं, तो सो देयरफॉर वी नो दैट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे हम क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो
इक्वल, और चाहे तो आप आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो ये दो साइड बराबर है तो ये जो एंगल है इनके ये भी बराबर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज हैंस लिख सकते हो आप, हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही लाना था आपको। समझ में आ गया बच्चों? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक बार और रिवाइज कर लेना वीडियो को तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।